तो दोस्तों ये है Realme का Narzo 30 और आज हम बात करें क्विक रिव्यू के बारे में। जी हाँ, इतने टाइम फोन यूज करने के बाद क्या कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इसका बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है, अनबॉक्सिंग वगैरह, रिव्यू वगैरह, गेमिंग रिव्यू वगैरह, वोटेज टेस्ट वगैरह, ये सब आ चुका है। और उसी से मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे क्या कुछ होता है। जिस सीरीज में मैं इसको रिव्यू किया था उसी सीरीज में आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको पूरा सीरीज देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं डिजाइन से। डिजाइन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी कूल लुक इसके साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। ब्लू कलर का यहाँ पे मिल रहा है और इस रेंज में जितने जिस तरह का डिजाइन आपको चाहिए और Realme का जिस तरह का डिजाइन चलता है उसी तरह आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब डिजाइन से आगे बढ़ते हैं और डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। एलसीडी डिस्प्ले है, लेकिन एक अच्छा बात जो कि है यहाँ पे आपको 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 60 हर्ज में होता है, लेकिन आप डिस्प्ले सेक्शन में जाके वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको जिस तरह का रिफ्रेश रेट चाहिए उस तरह आप रख सकते हैं। 60 हर्ज चाहिए तो 60 हर्ज, अगर 90 हर्ज चाहिए तो आप 90 हर्ज का यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो आप उस हिसाब से आपके हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ डायरेक्ट सनलाइट की बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट में आप विजिबल हो सकता है। जी हाँ, ये अगर आप सूरज डायरेक्ट सन में आप कुछ वर्क कर रहे हैं तो पूरा अच्छी तरह से तो दिखता नहीं है, लेकिन ठीक ठाक जो कि आप यूज कर सकते हैं उसी तरह आपको देखने को मिल जाता है। नहीं तो अगर एमोलेड स्क्रीन वगैरह होता है तो और भी अच्छी तरह से विजिबल होता है, लेकिन इस केस में क्या है क्योंकि ये एलसीडी वाला है तो उतना अच्छा, और इसका जो ब्राइटनेस नीड्स है वो भी उतना खास नहीं है, तो अच्छी तरह से डायरेक्ट सनलाइट में आप वर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो कि आप अंधा जला के काम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा तो दिख जाता है जो कि आप यूज में ला सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में और गेमिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप गेमिंग अगर खेलेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से खेल सकते हैं। यहाँ पे मीडियाटेक का G95 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे अगर गेम खेलते हैं तो वो पबजी वगैरह, फ्री फायर वगैरह कुछ भी आप लैग नहीं होगा, बहुत ही अच्छी तरह से खेल पाएंगे। लेकिन उस टाइम में थोड़ा हीटअप होता है, 40 के आसपास ये गेम खेलने के टाइम में हीट हो जाता है और बैटरी डेथ में बहुत जल्दी होता है। मान लीजिए कि 15 से 20 मिनट अगर आप गेम खेलेंगे तो ये लगभग 8 से 9% तक बैटरी ड्रेन हो जाता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना। अगर आप गेम खेलते हैं तो बहुत जल्दी यहाँ पे ये ड्रेन भी हो जाता है। अब ओटीटी टेस्ट वगैरह की बात करते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। पेन ड्राइव कीबोर्ड वगैरह वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और वो ओटीटी टेस्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बता दिया था, तो सब यहाँ पे सपोर्ट कर लेता है। डुअल 4G वोल्टेज टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 4G वोल्टेज बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। साथ से बात कर दूँ कि नेगेटिव वीडियो कॉल का बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते, तो वो 4G टेस्ट वीडियो में बताया था, जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बता दूँ हाँ सपोर्ट है और सपोर्ट नहीं भी है, तो इस तरह का कुछ है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे बात करते हैं कैमरा क्वालिटी के बारे में, तो कैमरा यहाँ पे ठीक ठाक है। पोको का जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पोको का M3 Pro 5G वाला जो फ़ोन है वो थोड़ा इससे बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन ये भी इसी बजट से, यानी कि 12,000 के अंदर अगर फ़ोन देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पे आप बोल सकते हैं। लेकिन जो नाइट का फोटो है वो थोड़ा यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डे लाइट में बहुत ही अच्छी तरह से ये परफॉर्म करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बैटरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिलता है वो है ये 30W का एक टॉर्च चार्जर मिलता है, जो कि फोन को लिटरली अगर फोन पूरा बंद है, यानी कि पूरा ब्लैक हो गया है और 0 से चार्ज हो रहा है, तो 1 घंटे में ये 0 to 100 करके दे देता है, और लगभग 15 से 20 मिनट में ये 50% भी पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। इस प्राइस में अगर इस तरह का फोन मिल रहा है और उसके अंदर यही जो चार्जर मिल रहा है, मतलब किसी भी फोन जितना भी अभी मिल रहा है सब ज़्यादा से ज़्यादा 18W या फिर 22W का देते हैं। जैसे पोको के केस में 22W मिलता तो है, लेकिन वो सपोर्ट करता है 18W का, लेकिन यहाँ पे आपको ये मिल रहा है 30W का, और आराम से आप 1 घंटे में 0 to 100 हो जाता है। लगभग 15-20 मिनट के अंदर, आधा घंटा से भी पहले ये 50% चार्ज करके भी दे देता है, जो कि मुझे अच्छा लगा। अब डिस्चार्ज की बात करते हैं, तो अगर पूरा अगर कंटिन्यूस वीडियो प्ले करेंगे तो यहाँ पे 12 घंटे तक ये चलता है। अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अब आखिर में बात करते हैं कि इस प्राइस में ये फोन कैसा है,
तो जैसे बताइए ये क्विक रिव्यू है, तो जल्दी जल्दी सब कुछ आपको बता दिया। और इस प्राइस में आपको ये अच्छा फ़ोन देखने को मिल जाता है। कुछ कुछ चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप जैसे कि डिस्प्ले क्वालिटी की बात किया कि डायरेक्ट सनलाइट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उतना ही प्रॉब्लम नहीं होता। और बैटरी डिस्चार्ज की बात किया कि अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं कि ज़्यादा या फिर डेटा यूज करते हैं, नेविगेशन वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो थोड़ा जल्दी ये हीटअप भी होता है और जल्दी बैटरी ड्रेन भी यहाँ पे हो जाता है। तो ये था दोस्तों इसका टोटल क्विक रिव्यू, और थोड़ा अच्छी बातें थोड़ी बुरी बातें, जो जो मुझे अच्छा लगा जो बुरा लगा मैं बता दिया। और इस प्राइस में इसके अलावा और कुछ फोन आते हैं, तो इससे अच्छा वाला फोन जो बोल सकते हैं, अगर डिस्प्ले आपको अच्छा चाहिए तो आप प्रिफर कर सकते हैं रेडमी नोट 10 को, क्योंकि उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। और अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है, यानी कि कल परसों में आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग का F22, उसमें भी आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। तो अगर आपको बेहतर डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छी चार्जिंग टाइम के साथ चार्जर वाला फोन चाहिए, यानी कि जिसमें जल्दी फोन फास्ट चार्ज हो जाए, तो उसी तरह का फोन चाहिए, तो आप इसको प्रिफर में कर सकते हैं। और कैमरा क्वालिटी बात करें तो जो सैमसंग आ रहा है, मे भी उसका कैमरा क्वालिटी इससे बेटर हो सकता है, क्योंकि सैमसंग के जितने भी फोन आते हैं उसका कैमरा क्वालिटी थोड़ा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू बाकी कंपनी का, तो मे भी उसका हो सकता है। लेकिन इसका भी कैमरा क्वालिटी एवरेज बोल सकते हैं, ठीक ठाक है। तो अगर आपको ऑलराउंडर फोन चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बात है, जैसे कि बता दिया कि थोड़ा बैटरी यहाँ पे जल्दी ड्रेन होता है, अगर आप ज़्यादा नेट यूज करेंगे, गेम वगैरह खेलेंगे या फिर नेविगेशन के लिए यूज करेंगे, तो थोड़ा जल्दी यहाँ पे बैटरी ड्रॉप होता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया इस फोन के बारे में तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक वीडियो चैनल। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।